हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्लॉग टेनमेंट टेक में, और मैं हूं आपका दोस्त विजय। तो गाइज, इस टाइप के जो वीडियो है सो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, वो रील्स हो या फिर किसी भी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप पे, वो भले ही टिकटॉक का ज़माना क्यों ना था, इस टाइप की वीडियोज लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे और अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे बनाएं। तो गाइज, इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो ये कि आपको ब्लैक या वाइट कलर के शर्ट या टी शर्ट में आपको ये वीडियो को शूट नहीं करनी है। इसके अलावा आप चाहो तो जो भी कलर आप चूज करना चाहो आप चूज करके आप पहन सकते हो और एडिटिंग कर सकते हो। तो बिना किसी बकवास वाणी के साथ अपनी वाणी को हम अब आरम्भ करते हैं। तो गाइज चलते हैं। गाइज, तो इस एडिटिंग के लिए हम एलाइट मोशन का यूज करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो प्लस आइकन पे हमें क्लिक करना है। गाइज, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद हम रेशियो को चूज करेंगे। तो ये मेरा रेशियो 9:60 का हमने चूज किया है। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हमें प्लस आइकन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज एंड वीडियोज के फाइल्स हैं, तो यहाँ से आप इमेज या फिर वीडियो किसी में भी आप इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो मैं अपने वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज, तो ये रहा मेरा वीडियो, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, इसके लिए हम अपने वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने वीडियो के लेयर पे क्लिक किया। अब यहाँ से हम इफेक्ट पे टच करते हैं। इफेक्ट पे ऐड इफेक्ट में जाएंगे। फिर देख पा रहे हो बहुत सारे इफेक्ट है, तो हम ऊपर जो रिप्लेस कलर वाला जो ऑप्शन है वो नीचे आ जाएगा। मैंने पहले इसका यूज़ किया है इसलिए ऊपर शो हो रहा है। गाइज, तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है गाइज, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो चीज़ें, एक है रिप्लेस कलर एंड न्यू कलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कलर को क्लिक करते हैं। मतलब रिप्लेस कलर में आपका जो भी कलर होगा आपके शर्ट का या फिर जो कुछ का, तो उसे कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या, आप पिक पे क्लिक करोगे और फिर इस पॉइंटर को ले जाएंगे अपने शर्ट पे, जो तो ऑटोमेटिकली वो जो कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट में हम न्यू कलर में जाएंगे, जो भी आपको कलर पसंद आए आप उसे चूज कर लेना। गाइज, तो मैं यहाँ से कलर को चूज कर लिया है, बट आप देख पा रहे हो ना कि वो सही से नहीं हो रहा है। तो थ्रेशोल्ड को हम आगे बढ़ाते हैं, परसेंटेज उसका बढ़ा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कलर चेंज हो चुका है, बट फिर भी वो रेड रेड जो है बॉर्डर पे शो हो रहा है। तो हम फेडर में जाके भी इस फेडर की परसेंटेज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद देख पा रहे हो कि आप ये पूरा क्लियरली शो हो रहा है कि हाँ कलर चेंज हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसको आगे पीछे बढ़ा के, वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, बीच बीच में क्रॉप कर करके इसका कलर चेंज करते रहेंगे। तो गाइज आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नैन गाइज, हम अब वीडियो को स्प्लिट करते हैं, बीच से इसको कट कर लेना है, क्योंकि ये पार्ट तो मेरा वो कलर तो चेंज हो ही गया है, नेक्स्ट पार्ट के भी कलर को चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ से इसे स्प्लिट कर लेता हूँ ये बीच वाले ऑप्शन से। तो जैसे कि देख पा रहे हो यार यहाँ से, और फिर से जो भी मतलब मैंने पहले जो भी इफेक्ट वगैरह यूज़ किया था, जैसे भी कुछ किया था वैसे ही सेम करना है। तो इस लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में रिप्लेस कलर पहले से हम चूज कर रखे हैं इसलिए वो है, और फिर से रिप्लेस कलर में जाना है, जो भी कलर उसको चूज करना है या फिर ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है। गाइज, न्यू कलर बस आपको सेलेक्ट करने होते हैं, फिर आगे बढ़ने होते हैं। फिर से हम आगे जाएंगे, फिर से स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद देख पा रहे सेम प्रोसेस अपनाना है, स्प्लिट किए, लेयर पे क्लिक किए, इफेक्ट पे क्लिक किए, रिप्लेस कलर में जाएं और फिर वहाँ से आप न्यू कलर को सिलेक्ट कर लो। तो ये भी कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही आपको रिपीट एंड रिपीट जितना बार आपको कलर चेंज करने हैं सेम प्रोसेस को आपको करते ही जाना है। मतलब फर्स्ट आप सीख लो, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ आपको जो भी कलर चाहिए ना आप वो कलर के कर सकते हो। गाइस, तो गाइज कलर चेंज का जो भी ग्रेडिंग पार्ट है उसको आप बस क्लियरली अच्छे से करना, ताकि जो भी मतलब कलर वो क्लियरली आप शो हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ सेम आप वैसे ही करना, और जो भी एक्ट है ना आप वो एक्ट प्रॉपरली करना और फिर ये इफेक्ट ऐड करना। देन आपके जो वीडियोज होंगे ना वो रील्स हो, मॉज हो या फिर किसी भी ऐप पर आप अपलोड करोगे, 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो वायरल होंगे। ओके, बस ये स्टेप को फॉलो करना गाइज, बहुत ही अच्छे और एकदम सिंपली एडिटिंग है, कोई बड़ा सा वो है नहीं। सो आप देखो, और गाइज कभी कभी लगता है ना कि हम कुछ और कलर को चूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो भी मैं अभी बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर से बहुत सारे कलर को हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जो भी कलर पसंद आए आप यहाँ पे आप ले सकते हो। मैंने जैसे कि यहाँ पे ले लिया कलर, ठीक है, और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो
मैं यहाँ के कलर पे गया और फिर ये कलर वाले पार्ट में जाके मतलब जो भी कलर आपको चाहिए न्यू क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हो गाइज, और मेरे से भी अच्छा बना सकते हो। मैं बस सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। किसी भी एक वीडियो लेके, मैं किसी और का वीडियो ना लेके मैं अपना वीडियो ले रहा हूँ, क्योंकि कोई क्लेम ना करे भाई कि आप ऐसा करो मेरे वीडियो के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। ओके, वो एडिटिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे एरो वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा सामने एक ऑप्शन आएगा, ये देख पा रहे हो, तो वीडियोस पे क्लिक करके हम नो थैंक्स लाइक द वाटरमार्क वाला आ रहा है। अब वाटरमार्क हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पहले वीडियो देखो गाइज। तो ये मेरा वीडियो, वाओ सुपर। वेलकम बैक गाइज। तो गाइज जैसा कि आपने देखा कि अगर आप ये ऐप को इंस्टॉल करते हो तो उस पर एक वाटरमार्क होगा। अब इस वाटरमार्क को कैसे रिमूव करते हैं वो अब देखते हैं। तो गाइज इसके लिए क्रोम में जाके आपको एलाइन मोशन मोड एपीके को टाइप करना है, और ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो डाउनलोड एपीके का ऑप्शन है, आप यहाँ से तो सिंपली आप इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो गाइज। और वीडियो तो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ना गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।